अगर तुहाड़े कमेंट या मैसेज आए तो इंशाल्लाह जो नैक्सट व्लॉग साड़ा हो सी वो इंग्लिश हो सी भी असा अंग्रेजी चलवा के अंग्रेजी व्लॉग पढ़े सूँ तो कमेंट कराए अपना मैसेज भी कर सकते हो। अगर तुहाड़े दोस्तें मैसेज आए तो इंशाल्लाह नैक्सट व्लॉग जो सा हो सी वो इंग्लिश हो सी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं तुसा सारयां दे? उम्मीद है तुसा सारे ठीक हो सो। ते आज दा जड़ा साड़ा व्लॉग है वो सराइकीए चे, ते अल्लाह ताला दे शुक्र नाल उन्हां दे फजल नाल आज जड़ा व्लॉग है असा करने स्टार्ट। ते मैं कुछ दिहाड़े पहले जड़ा है कि व्लॉग बनाया ही उन्दे च मैं पूछा है कि अगर तुसा कोई दोस्त चाहते हो कि मैं सराइकीए च व्लॉग बनावा तो मैं को कमेंट दसेसो या मेरे फेसबुक पेज से मैं को मैसेज करके दसेसो। तो काफ़ी दोस्तों ने मैसेज आए हैं फेसबुक पेज से कि तुम सराइकीए च व्लॉग बनाओ असा देखना चाहें, तो शुक्र गुजार हाँ मैं। इंशाल्लाह आज जेड़ा सारा व्लॉग है इंशाल्लाह सराइकीए च बड़े सूँ। तो इन टाइम अजान साहब तैयारी की खड़न तो इन्हें स्कूल छोड़ वेंदे पे हैं, तो माशाल्लाह रेडी हैं। तो सवेर का टाइम है, जुमेरात का डी है अज सही, तो इन्हें स्कूल छोड़ के पीछे मैं जरा रकबे तो बनने खेतों में बनने तो फसल जरा देखनी है, फसल देख के पीछे रूटीन वाइज शॉप से दुकान पर बेचूँ। तो इंशाल्लाह साडा गैस वाला जरा सिलेंडर है वो ख़त्म थी गए क्योंकि सारी बस्ती है कोई गैस वगैरह कह नहीं, तो ना ही अपना हाली तोनी कोई आई है क्योंकि सुई गैस का कोई सिस्टम कह नहीं था ना साड़ी बस्ती है। तो पहले जल्ले सारे बजुर्ग हैं वो लकड़ी इस्तेमाल करेंगे, तो हूँ जड़ा के रिवाज आ गए वो सिलेंडर का, तो सिलेंडर ज़्यादा इस्तेमाल थे हर घर सिलेंडर इस्तेमाल थी पैथा साड़ी बस्ती है। तो बाकी अहमद साहब के काम देखो ये बड़ा शरारती बढ़ गया, बड़ा शरारती है। ये अजमल हूँ सिलेंडर को मोटरसाइकिल नाल बद के ते शहर वेंदे पन, ते उत्थों वन के चेंज करा सन, ते पिछे नाश्ता वगैरह हाली बनाने सा नाश्ता वगैरह बड़े सन। इलाके दे विच बड़ी सर्दी होंदी है सवेरे सवेरे, बहुत ज़्यादा सर्दी होंदी है। मैं अजान को स्कूल छोड़ वेना हूँ ते इतनी ठंड होंदी है कि बंदा मोटरसाइकिल ते काफ़ी हवा लगती है। साड़ी साइड काफ़ी खुली है, काफ़ी ज़्यादा मतलब के दरख्त वगैरह हैं, तो ये वजह तो काफ़ी ज़्यादा मतलब के ठंड लगती है। अपनी फसल च आ गई तो माशाल्लाह देते पे कि फसल किमें है। तो उदा मेरे कज़न की जो चावल आते खड़े मेरे कज़न के तो वो मैडी खाए ना कि उन्हें को बीमारी लग गई है। इतना इतना देखो कि ये जड़े चावल मर गए हैं, इन्हें को बीमारी लग गई है तो मर गए हैं। जो है कि सारे चावल जड़े माशाल्लाह बहु अच्छे खड़े जड़े मरने हैं, जड़े पानी नाल मर गए हैं तो मर गए हैं। तो बाकी माशाल्लाह सारे यके चावल जड़े इस साइड पर रहा है ड्रिल किए से वो बहु ही अच्छे चावल थी गए, बहु ही ज़्यादा चंगे। तो ना कोई बीमारी है क्योंकि स्प्रे असर टाइम नाल करके दिए, ना कोई बीमारी है ना कोई है। जड़े पहले ड्रिल किए से वो चावल साढ़े माशाल्लाह पक चुके हैं, तकरीबन एक हफ्ते तक उन्हें को हाथ लग गए थी। पिछों पीटर का शोर सुनते पे सो तो पिछों वेलना लग्या पाए, उत्ता ताज़ा गुड़ बढ़ता पाए। तो पहले मेरे सोत लवाया हा वेलना तो उन्दा जड़ा गन्ना हा विलीजना हा वो विलीज गए, तो बाकी मैं भी विलवाने इंशाल्लाह। तो मेरे जिते चावल असर आए अगर उन्होंने पानी 15-20 दिन सुक वेंदे तो अस अपने कमान को हाथ लवा छुड़े सू। वो क्यों? क्योंकि असं उन्हें कमांद रहावने, तो पिछले कमांद ही असं उन्हें रहे सूँ, तो अपना कमांद विलवा ही छुड़े सूँ ताकि उनका गुड़ असा पिछले बेच सकूँ। तो जेडे चावल साढ़े पक्के खड़े वो तो मेरी कहना कि किमें हैं। देखो कि चावल साढ़े पक चुके हैं, बस फल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा चाहता हो कि तुसा देख सकते वे। तो ये करनल है चावल, तो ये चावल जेड़ा एक कायनात है सुपर कायनात, ये थोड़ा जहा लेट वन पकते हाली मतलब के फल चाहता पाए, लेकिन ये पक्सी थोड़ा जहा लेट वन के मतलब के एक 20-25 दिहाड़े लग गए सन मजीद पकड़ के। तो ये माशाल्लाह तैयार है, कोई इंशाल्लाह आंधे हफ्ते असा हाथ लवा छुड़े सूँ। तो ये चावल पक गए साढ़े हिसाब न, बाकी चावल माशाल्लाह अच्छा है,
ये चावल भी अच्छे हैं माड़े नहीं, जड़े मरने हैं वो मर गए, बाकी जड़े थी हैं तो बहुत अच्छे थी हैं। अजीत अगते नहीं मान सकता, वो मैं यहीं नहीं मान सकता क्योंकि मैं हूने तैयारी करके आया तो कपड़े मैं हूने चेंज किए हैं, तो यहीं कलूँ मैं अगते नहीं मान सकता क्योंकि हाली शबनम पणियाल जी है वो हाली पही है थी मतलब कि जमीन के उत्ते, तो मैं वैसा तो मेरे कपड़े जड़े खराब थी वैसन, तो यहीं कलूँ असं पिछते वापसी जुलते हैं तो कोई वेलने का मैं कुछ देर थी नहीं वेंदी है क्योंकि मैं वेलने वाला शॉप थे, तो इं कलूँ मैं अपना तो कुएं दिखा देना कि वेलना जड़ा लग्या पे, लेकिन एक दिहाड़ इंशाल्लाह टाइम काट के कल जुम्मा है या शायद कल ही तो मैं प्रॉपर टाइम काट के तो प्रॉपर वीडियो जी है इं बढ़ा के दिखेसा किवें इंदे गन्ना विलींदे किवें गुड़ निकलते किवें किवें प्रोसेस होंगे इंशाल्लाह सवेरे तक मैं या सवेरे या कई बई दिहाड़ जे दिहाड़ मैं बिल्कुल फ्री हो सा तो तुकू मैं वो वीडियो बढ़ा के मैं इंशाल्लाह अपलोड करे सा तुसा देख सो। ते कुछ जड़े मेरे नवे सबसक्राइबर हो सन नवे व्यूवर्स हो सन वो आते पे हो सन के चावल कित्था मर गए किवें मर गए, तो मैं उन वीडियो का लिंक जड़ा है वो मैं डिस्क्रिप्शन मैं दे देसा तो जै जै फिर में देखना हो देख सकते हैं, तो बाकी मैं को हूँ थे नहीं पी देर तो सिलेंडर साड़ा भरीज के अजमल साहब चाह आन तो नाश्ता पकता पे तो मैं मन के नाश्ता करने हूँ नाश्ता करके सीधा मैं शॉप पर वड़ने क्योंकि मैं को काफ़ी लेट नहीं वेंदी है। मेरे कज़न का पोल्ट्री फार्म है पिया लेकिन ऊँ वाला ये चेंजिंग करके तो मैं दिखा सकता इतों के ऊँ वाला बेच बंदरू वगैरह बढ़ा के डंगर वास्ते कोई वच्छे रखने का सोच ही खड़ा भी मैं वच्छे रखदा, लेकिन हाल ही ऊँ कोई स्टैप किया गया नहीं, लेकिन बाकी इमारत जी है बिल्डिंग वो तैयार थी चुकी है तो माशाल्लाह अच्छा सैटअप थी खड़े एडो तुसा देख सकते हो कि सारा बेहतरीन निज़ाम बढ़िया खड़े पे वेलना ये पीटा रे डू कढ़ा इन पे ते वेलने गन्ना विलींदा खड़े राहो निकलती पई है, लेकिन मैं नाश्ता करने तो मैं राहो नहीं पीता हाली तो सवेरे सवेरे अगर आवा तो मैं पी वा शायद, लेकिन हूँ मैं नहीं पीता तो डू कढ़ा इन पे डूहें गुड़ बढ़ता खड़े माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मतलब गुड़ का रंग आता पे तो गुड़ ही बहुत अच्छा आता पे, तो इंशाल्लाह तो नैक्सट वीडियो तो ये सारा प्रोसेस देखने को मिल रही थी। कल साढ़े घर गोभी पकी है तो मैं को गोभी वाले पराठे जड़े हैं बहुत पसंद हैं, तो सवेरे सवेरे नाश्ते पराठे खाते पे हैं ए चटनी सावी मरच वाली बड़ी ही मज़ेदार होंगी है। अलहमदुलिल्लाह सही मैं पहुँच गया अपने ऑफिस अपनी दुकान मैं पहुँच गया इन टाइम, तो मुजम्मिल भाई बारो कम कराए खड़े हैं कार का, तो मैं आखिए चलो गप शप ही बंदा लावे तो उड़े ही चले बंदा भाई को अज कम है भी है, तो मुजम्मिल भाई अज बेहोश हैं, मुजम्मिल भाई की तबीयत ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब है भाई है भाई जान रात की हो गया सी तुहानू बुखार शदीद जुकाम तो बुखार, चलो अल्लाह पाक तो सेहत रहे ते लेकिन तबीयत ही ख़राब है, लेकिन उनके बाद कम ही करेंगे पैन जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। अपना कैमरा खा सारा काला करके देखे मेरी तस्वीर बच्चे मेरे बच्चे तस्वीर अज दोपहरें का जड़ा लंच है साड़ा जड़ा मतलब कि खाना है वो मुजम्मिल भाई की तरफ है, मुजम्मिल भाई के कज़न हैं पे उन्हें खैरात हुई वो वेंदे पे हैं सऊदी अरब तो उन्हें कोई खैरात वगैरह की है, तो मुजम्मिल भाई अगे अग जड़ा है खाना कट्ठे खा सूँ तो मैं उसको कहन क्या सा कौरमा है खुशबू तो अच्छी भी है
खा के चेक करे सू के कीवें है। माशाल्लाह टेस्ट किते से क्या ही बात, जबरदस्त सालन बढ़िया है, बड़ा ही अच्छा कुरमा जड़ा है वो बढ़िया है। तो सारे बह के मुजम्मिल भाई दे वालिद साहब इन पे तो सारे बह के खाते बैठे हैं। हमाद ते अहमद साहब भी इतनी सारी शॉप ते आए वे हैं। तो मुजम्मिल भाई कोई अपनी कार है कोई साउंड वगैरह सैट करें पे हैं। तो हमाद उन्हें भी आ गए तो सही नाल खड़ के चेक करें पे हैं भाई किवें इनका साउंड। तो अज जुमे का डे है तो मैं हूँ उठा तकरीबन 11 बजे का टाइम है क्योंकि जुमे वाली बार कोई दुकान शुकान से शॉप से कह नहीं बनना आता तो मैं घर होना। तो अज 12 रबीउल अव्वल की वजह तो अजान कोई छुट्टी आई तो स्कूल छोड़ने वास्ते मैं कह नहीं गया तो बिल्कुल फ्री हामी तो मैं आज रेस्ट किते तो सुकून किते भी 11:30 बजे तक मैं सुता रह गया। बस हूँ फ्रैश थी तो मैं कि चलो मैं थोड़ा जहा बात थी आवा। तो बाकी रात में काफ़ी लेट थी गई मैं घर चले आया तो मैं आके सोम पिया मतलब कि मैं वीडियो को नहीं बढ़ा सकया। तो मेरा दिल है कि रात को वैसा तो मैं फिश बढ़ वैसा तलवा के तो असा खासूँ तो वो भी नहीं बढ़वा सके मतलब लेट थी गई तो मैं सुम गया हमी पीछे। तो सर दोस्त चाहते हो कि मैं स्ट्राइकी एज व्लॉग बढ़ावा अगते भी स्ट्राइकी एज बढ़ावा तो अपना मैं कमेंट से दस दसो या फेसबुक पेज पर मैं मैसेज करके दस दसो। तो लिहाजा अगर तुहाडे कमेंट या मैसेज आए तो इंशाल्लाह जो नैक्सट व्लॉग साड़ा हो सी वो इंग्लिश हो सी भी असा अंग्रेजी चलवा के तो अंग्रेजी व्लॉग बढ़े सूँ। तो कमेंट कराए अपना मैसेज भी कर सकते हो अगर तुहाडे दोस्तें मैसेज आए तो इंशाल्लाह नैक्सट व्लॉग जरा सा हो सी वह इंग्लिश हो सी। ते बाकी आज दा व्लॉग जड़ा है वो इतें ही खत्म करें ते वकास आशिक उड़े इजाज़त। ते अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ते सब्सक्राइब कर दिवाए ते तुहाडे सारेयां दा शुक्रिया बहुत बहुत मेहरबानी प्यार इतना देवण दा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।